देखेंगे हजरत अजीब कार, मैं समझता हूं कि आप कहते हैं आपका जान छाड़ सारे एमपी साहब मुजाब दे खिताब दे नाराय तकबीर, ऐसे नहीं खड़े होकर नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी। ये हमारे एमपीए साहब ने पहली मरतबा कूबे चक की राउंड के देखी है। जरा अपनी थकावट को उतार कर आप लोगों ने अपने इस नौजवान एमपीए का इस्तकबाल करना है। इन्हें माशाल्लाह आपकी मोहब्बतें रायगा नहीं देंगे। हजरत अजीब कार, नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय मोहतरम मकाम, हमारे हलके के एमपीए जनाब अहसन सलीम बलिया साहेब, नौजवान की आदत आपसे हजार करवा रहे हैं। हाथ हिलाकर अपनी कयादत के साथ यकजे देगा, हाथ कीजिएगा, हिलते हुए हाथ कैमरे देख ले, मौजूद अभी देख ले जनाब उनके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके लिए दो जहां बनाए गए। तमाम हाजरीन पंडाल, मेरे नहायत काबिल एहतराम, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे नौजवान भाई, खास तौर पर मेरिया मावां ते मेरिया बहना, स्टेज पर बैठे तमाम, एदा मैं अपने तमाम हलके दे पीपी 38 दी आवाम दा, पीपी 35 दी आवाम दा, ते खास तौर ते इन्हां दोनां नूं मिला के साडा इन्ने बदत इस हलके दी आवाम दा, मेरियां मावां मेरियां भैणां ते स्टेज ते बैठे तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ दे कायदीन, खास तौर पर मेरे वड्डे मेरे काबिल एहतराम डॉक्टर फिरदौस आशिक कावान साहिबा, अज दे जो मेज़बान भी ने, मैं तुहाडा सारिआं दा दिल दीआं अथां गहराइआं तों शुक्रिया अदा करना चाहना कि तुसीं अपने इस बेटे अपने इस भरा लई जो अज दा प्रोग्राम मुनक्किद कीता है, इहदे अंदर जो मैनूं खुशी महसूस हो रही है, अल्लाह नूं गवाह रख के तुहाडे अगे गल करांगा कि 40 दिन 30 दिन कैंपेन की थी, अज तकरीर करदे आ उह खुशी पहले नहीं महसूस हुई। अज पहले मैं जांदा सा किसे पिंड दे अंदर या किसे खास यूनियन कौंसल दा एक प्रोग्राम हुंदा सी, अज मैं इत्थे देख रहा, मैं अगे एक बंदे नूं इत्थे पहचानना, तुसी कहोगे मैं तुहाडा नाम लै सकना कि पूरे हलके दी आवाम अज इस पंडाल दे अंदर मौजूद है, ते पहला मौका मिलिया कि मैं तुहाडे मुहातब होके तुहाडा शुक्रिया अदा करा कि ना सिर्फ हुण मैं पिंड दे नाल मुहातब हाँ किसी एक यूनियन कौंसल दे नाल, बल्कि मैं अपने पूरा हलका पीपी 38 दी आवाम दे नाल मुहातब हाँ, जिन्हां दे प्यार इज्जत ते इहतराम इतिहास तौर पर तुहाडे सारयां दी बोर्ड दी ताकत दा सिला अल्लाह ताला ने सानू इस बरकतां ते रहमतां ते खुशियां दी महफिल दे सके सानू दित्ता। साडा इत्थे इकट्ठा होण दा मकसद अपने रब्बे बारी ताला उहनां दा शुक्र अदा करन दा कि उहनांने साडियां जो ख्वाहिशां सन, जो साडे दिलों निकलियां दुआवां सन, जो मेरे बुजुर्गों ने जो मैं वोट मंगन जाता तो मैनू पुत्र कह के बुलाते, मेरिया मावां भैणां मैनू सिर ते हाथ फेर के प्यार देंदियां दुआवां देंदियां, अज उन्हां दुआवां दा ते उस प्यार दा मैं तुहाडे अगे शुक्रिया अदा करना चाहना। मैं समझना कोई भी चीज बेशक अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, जो ये इलेक्शन का इस हल्के के अंदर आना पहला कदम, उसके बाद डॉक्टर साहबा ने फरमाया उन्हों का मेरे घर आप आना
मेरे वालिद मोहतरम चौधरी सलीम बरियार साहब अगे आके गुजारिश करना कि तुसी इलेक्शन लड़ो। ये दूसरा, फिर तीसरा कदम अल्लाह की तरफों मेरे के चाचू कैसर इकबाल बरियार साहब वालों टिकट मिलना। टिकट मिलने के बाद असा एक भरपूर कैंपेन शुरू कर ली। उस कैंपेन का शुरू होना, उसके बाद चौथा कदम उन्होंने कागज जो नाम मंजूर हुए, फिर सलीम बरियार साहब ने मेरे वालिद साहब ने दसिया कि डॉक्टर साहब फिर एक बार घबरा गए। उन्होंने घबराना तो फिर उन्होंने एक यकीन आना साड़ी फैमिली की तरफों कि भी एहसन के कागज भी असर जमा कराए ने, तो तुम बेफिक्र होके बिस्मिल्ला करो तो असं एहसन होकर टिकट दवाने। मतलब फिर टिकट मिलना, ये जो एक मैं थोड़ा एक गल दसना चाहना कि अज जो सानू पता मिली है हर चीज के पिछे, हर मंजिल के पिछे थोड़े उठाए गए कदम होंगे, थोड़िया जो तुम छोटिया मोटिया मंजिल तय करके वड्डी अपनी मंजिल से पहुँचते हो, ये वो लड़ी है जो मैं तुहानू सुना रहा कि लड़ी किस तरह कितों शुरू हुई तो अज साड़ी फतह के उत्ते किस तरह खत्म हो। इसलिए हर इस लड़ी नू मिल के असी जो फतह तक पहुंचाया, ये अंदर सिर्फ असी कले नहीं सकते, अंदर तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ का साढ़े उत्ते यकीन करना। फिर खास तौर पर तीन अफराद सारियां तो पहले डॉक्टर फिरदौस साहिबा, ओ दूसरे नंबर पर साढ़े दरमियान मौजूद ने, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम काबिल इज्जत मेरे वड्डे मेरे दुआगो ताहिर हुदली साहब। उन्हें भी यकीन करो इस इलेक्शन नू मेरे तो ज्यादा ही लड़िया होगा, मेरे तो घट नहीं लड़िया। मेरी उन्होंने नाल सुबह 4 बजे भी अक्सर गल हुई तो मैनू कह लगे या उन्होंने दोस्त अहबाब जिहड़े पिंड जाते सन उन्हें भी मैं दसिया कि ताहिर साहब ने डॉक्टर साहबा ए हूँ 4 बजे उठ के साडे कोलों गए ने तो तुहाडी कैंपेन कर दे सकते। फिर तीसरे मेरे वड्डे भाई जो इस हल्के के पहले उम्मीदवार सन सईद अहमद भली साहब, उन्हें भी जो उन्होंने टिकट ना मिली मेरे वालिद मोहतरम सलीम बरियार साहब तो मैं आप ही असं उन्होंने कोल गए, उन्हें अगे गुजारिश की कि देखो पार्टी का फैसला है तो सानू तुहाडी जरूरत है। अल्लाह जानता उन्हें कोई अगों दूसरी गल नहीं की, उन्हें भी ये कहा कि हूँ ऐसा मेरा पाइए थोड़ा इलेक्शन मेरा इलेक्शन अपना इलेक्शन। तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इलेक्शन लड़े है, लेकिन यह तीन नाम है खास तौर पर इसलिए ले जो बड़े ही एक डायरेक्ट तरीके दे नाल इस इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन की मुहिम के अंदर हिस्सेदार रहे। उसके बाद फिर आई जो पार्टी, पार्टी के अंदर डार बरादरान शानवाज चीमा साहब, अकबल चीमा साहब, अदरीस चीमा साहब, चौधरी मुनवर साहब, फिर मैं खास तौर पर ना लवांगा मेरे वड्डे भाई जाहिद सलीम बाजवा साहब का, जिन्हों डॉक्टर फिरदौस साहिबा ने इस हल्के का कोआर्डिनेटर बनाया, तो मैं समझना जिन्ना बेहतरीन इस इलेक्शन उन्हें मैनेज किया शायद ही किसी और इंसान ने किया हो। इन्नी मेहनत की कि आज अल्लाह ताला ने उन्हों का जो मुकाम रखे है वो मेरे दिल के अंदर बड़ा एक बुलंद मुकाम रखे। मैं हर बंदे का इतने ना लै के एक एक शख्स का जो रोल रहा मैं वो तारीफ कर सकना, लेकिन वक्त भी बड़ा घट है। इतने साडा पहला मौका इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते, अज डॉक्टर साहबान ने प्रोग्राम किया, अगले हफ्ते असी अपने डेरे से अपने कोल अपने तमाम हल्के के साथियों जो साढ़े नाल खलोए मेरे यूथ विंग के साथी, उन्हें भी बड़ी मेहनत की क्योंकि नौजवानों का इस हल्के के अंदर नहीं सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा वोट है। फिर उसके बाद साड़ी वूमन विंग, यकीन करो जिते मैं पूछता सा जलसा करन लई, उस तो पहले साड़ी यूथ वाले, उस तो पहले साड़ी वूमन विंग, तमाम बॉडीज जिहड़ियां ने मुतहरक होकर उत्थे पहुंचे सन।
उसके बाद फिर साडा इंसाफ लॉयर फोरम, तुसी यकीन करो इन्होंने अपने तौर पर इकट्ठ किए कचहरी के अंदर प्रोग्राम किए वकीलों मेरे वकील बरादरान जो पर्सन तरीके साहब के नाल मुंसलिक सन उन्होंने अच्छे खाने खिलाए उन्होंने अच्छी हिफाजत तवाजा की। मतलब ये तमाम लोग जड़े ने इन्हें इस इलेक्शन अपना इलेक्शन समझ के लड़िया जिते जाता सोग सू बड़े प्यार इज्जत के नाम मिलते अच्छे लफ्जा के अंदर याद करते। मैं समझना इज्जत सारे को व्डा साडा एक तोहफा है जो इस आवाम ने सू दिता है। तो इन शाला तला अच्छे दरम्यान खलो के वादा करना कि जो तुसा मैनू मेरे खानदान मेरे वालिद मुहतरम पाकिस्तान तरीके इंसाफ न इज्जत दिती है इन शाला तला असी थोड़ा पूरा मान रखा तो थोड़ी इस इज्जत न आखिरी दम तक मैं याद रखा। फिर क्योंकि मेरी यह पहली तकरीर है इस हल्के की आवाम का शुक्रिया करन दी ते तमाम साथियों दा, मैं चंद लोगों के नाम और लेना चाहवागा जो कुछ इतने दरम्यान साढ़े दरम्यान मौजूद नहीं ने लेकिन वह सानू सुन भी रहे ने तो जे अज इतने नाल नहीं ने तो शायद उन्होंने थकावट बड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने साढ़े तो भी ज्यादा मेहनत की उन्होंने बनता है कि वह भी आराम कर असी भी सारे बड़ी मेहनत की दिन रात उन्होंने भी मेहनत की। फिर साढ़े काबले इहतराम चौधरी गुलाम अब्बास साहब उन्होंने भाई चेयरमैन इरफान अब्बास साहब फिर साढ़े भाई रसूलपुर भलिया तो मेरे वे हकनवास भली लंगड़े आली तो मल्ले चक तो चौधरी ज़िया साहब फिर डस्का तो मेरे बुजुर्ग इजाज़ चीमा साहब लोग ने। फिर साढ़े सारे दे बड़े काबिल एहतराम नईम हुंदली साहब चेयरमैन साहब उन्होंने भी बड़ा एक अच्छा ते खुशगवार मौके के अंदर इस इलेक्शन लड़िया तो इसलिए शुक्रिया असी तुहानू अपने कोल दावत देवांगे इंशाल्लाह तआला पूरे हल्के तो आवाम नू बुलावांगे तुसीं आओगे। फिर उहदे बाद मैं तुहाडे दरम्यान खड़ो के वादा करना कि इस हल्के दे 181 पिंड मैं एक एक पिंड आप ही जावांगा तो मैं आप ही तुहाडे घर आके तुहाडे कोल बह के तुहाडा शुक्रिया अदा करांगा। इहदा जो एक बड़ा अच्छा तरीका अपनाया जो असां कैंपेन के अंदर भी किया कि असी हर रोज एक एक यूनियन कौंसल के अंदर फिरे किसी यूनियन कौंसल के 13 पिंड किसे 11 किसे दे 5 किसे दे 8 ते असी शाम नूं निकलदे सां गर्मी दा मौसम सी असर दे बाद निकलना ते रात 11-12 बजे तक तमाम यूनियन कौंसल दे पिंडां दे अंदर फिर के बड़े अच्छे प्रोग्रामां नाल लोकां नाल गुफ्तगू भी कीती बैठे उन्हां सानूं चाय पानी भी पियाई। हां लेकिन बड़े लोकां वल मेरे साडा चाह पानी खाना जिहड़ा उह रहिंदा लोकां नाल मैं वादे कीते सन कि इंशाल्लाह तआला चेतके तुहाडे कोल आवांगा ते जल्दी दे अंदर नहीं आराम नाल पुरसकून माहौल दे अंदर बह के तुहाडे कोल आके तुहाडे नाल खाना भी खावांगे चाय भी पियांगे पानी भी पियांगे। ते मेरा तुहाडे नाल वादा रह गया कि 10 तों 15 दिन लगावा के सिर्फ हर यूनियन कौंसल फिर के एक एक पिंड जावांगा ताकि कल नूं कोई इह पिंड वाला गिला ना करे कि चेतके साडे कोल नहीं आए। इसलिए इस हल्के की आवाम ने जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उत्ते इतमाद किया मेरी फैमिली के उत्ते साढ़े उत्ते इतमाद किया असा लोगों के नाल जो वादे किए अकबर चीमा साहब ने कहा मैं तुहानू एक गल यकीन दहानी के नाल कहना चाहना कि पहले जो असी 28 तरीक तो पहले फंड होने के बावजूद कुछ दोस्तों के नाल लग के दोस्तों के वसाइलों इस्तेमाल करते हैं असी तुहाडे छोटे मोटे मसले मसाइल जो सानू हल कराए कुछ स्कीम जड़िया इलेक्शन तो पहले हो मंजूर हो चुकी सन उन्होंने असा डॉक्टर साहबा ने मिल के जोर लगा के वो थोड़े काम करवाए गैस के काम करवाए वापटा के काम करवाए सड़क गलियां नालियां बनवाइया इंशाल्लाह ताला हूँ थोड़े नाल वादा करना
कि तुहानू कहा सी कि 28 नूं जितवाओगे ते 29 तरीक तो ही बगैर किसी रुकावट के बगैर किसी होफ के बगैर किसी परेशानी के तुहाडे हल्के दे काम करावांगे ते इंशाअल्लाह ताला तुसा सानू जितवाया ते इमरान खान साहब नूं जो खुशी महसूस हुई जो उन्हां दी तरफों मेरे तक पैगाम पहुंचे तुसी यकीन करो मैं तुहाडे अगे एक गल करदा सा कि सीट जितवाओगे ते पीपी 38 दी आवाम दी इज्जत पूरे पाकिस्तान दे अंदर सारिआं तों ज्यादा होएगी ते अज अलहमदुलिल्लाह जो इमरान खान साहब दे मैसेजेस ते जो उन्हां दे पैगाम आए ने इस हल्के दी आवाम लई जे मैं तुहानूं इंशाअल्लाह ताला सुनावांगा तुसा कहना है कि पाकिस्तान दे अंदर इस टाइम सिर्फ पीपी 38 दी आवाम दा चर्चा आ रहा है ते उन्हां दी इज्जत अफसाई की जा रही है ते गल गलत नहीं। इसे तरह वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने बड़ी खुशी का इजहार किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्करा उत्ते साड़ी फैमिली उत्ते जिले की क्यादत उत्ते ते उन्हां भी इंशाअल्लाह ताला सानू यह पैगाम पहुँचाया है कि वह इस हल्के के अंदर इस इलेक्शन की फतह का जशन ते लोगों का शुक्रिया अदा करन इंशाअल्लाह ताला इस हल्के च आएंगे ते अगले चंद दिनों के अंदर आके वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब ही इस हल्के की आवाज का शुक्रिया अदा कर तुहाडे फंड्स के मुताबिक दे बारे च एक गल जो पहले की गई कि तकरीबन 60 करोड़ रुपया 6-6, 5-5 करोड़ रुपया हर यूनियन कौंसल में मिले है। मेरे को एक और खुशखबरी है जो चलो तुहानू सुना ही देना तुहाडे नाल वादा किया कि इलेक्शन जितवाओगे तो 6 करोड़ नूं 12 करोड़ भी करवावांगे ते अज तुहाडे दरम्यान यह खुशखबरी लैके खलोता वजीर आला साहब की तरफों उन्हें क्या जिन्ना फंड चाहिए जे सानू आके दसो तुहानू एक हफ्ते के अंदर कहोगे फंड मिल जाए। इसलिए यह इलेक्शन असं कहते सर तुहाडी तरक्की तुहाडी तब्दीली खुशहाली का इलेक्शन है अल्लाह तआला दी खास रहमतां दा इलेक्शन है ते अलहमदुलिल्लाह अन करीब इस साल 2 साल के अंदर जो तुहाडे नाल वादा कीता सी कि हलका पीपी 38 पाकिस्तान के बेहतरीन हल्कों के अंदर होएगा वह वादा पूरा होने नूं ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए वक्त बड़ा हो गया मेरे तो पहले तमाम मुकर्ररीन ने मेरे वालिद मोहतरम सलीम बरियार साहब ने तुहाडा शुक्रिया अदा किया डॉक्टर फिरदौस साहबा ने किया तमाम साढ़े काबले इहतराम मुकर्ररीन कायदीन ने शुक्रिया अदा किया ते मैं एक बार फिर तुहाडा छोटा भाई तुहाडा बेटा तुहाडा MPA तुहाडे दरमियान खलो के तुहानू एक बार दो हथां दे नाल सलाम पेश करना ते दिल दीआं गहराइयां तों तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि तुसी साडे ते इतमाद कीता ते इंशाअल्लाह ताला असी तुहाडा इतमाद कदी नहीं तोड़ांगे तुसा सानू सुरहुरू कीता असी तुहानू इंशाअल्लाह ताला मायूस नहीं करांगे तुहानू इंशाअल्लाह ताला कदी मायूस नहीं करांगे। असन पूरा पूरी गल नहीं सुनांदा पिया तुहानू ते मैं पूरी सुनाण लई आई हां। ओ कहिंदा पिया कि मैं तुहाडा बेटा तुहाडा MPA बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा इंशाअल्लाह आसन सलीम बरियार वजीर बन के तुहाडा शुक्रिया अदा करना है और उस तो बाद असी मुबारकबादां दे आपस में वसूल कीतियां ने और इंशाअल्लाह आसन सलीम बरियार की मुबारकबाद CM देना आएगा और असी चीफ मिनिस्टर नूं इस हल्के दी और पूरे जिले दी तमीरो तरक्की लिए बुला रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब आसन सलीम बरियार की जित का जशन सियालकोट च कारकुनान नाल मनाएंगे और सियालकोट वालों को एक ऐसा तरक्याती पैकेज दे के जाएंगे जिसे हर हलका जरा है उसकी जरूरत का ख्याल रखा जाएगा और हर हल्के आवाम की तरक्की और खुशहाली में यकीनी बनाया जाएगा। डॉक्टर साहबा ने गल की अज इन्हों का MPA बनाने से शुक्रिया अदा किया इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी दूर नहीं जो वजीर बन के आवेंगे उदो दोबारा इन्हों का शुक्रिया अदा करा सारे।
शुक्रिया।